इन चीजों का दाम दूसरे देशों में कितना होता है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच देखते समय आपके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ था, जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और बचपन से आज तक हम ऐसे कार्टून्स देखते आ रहे थे जिनका रिलीजन हमको पता ही नहीं था। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही गजब का होने वाला है, तो इसे तीन गिनने से पहले लाइक कर दो यार। 1, 2, 3 आपने कर ही दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, आपके घर में फिल्टर या फिर पानी की टैंक तो जरूर होगी, जिसमें कि आप पानी पीते हो। लेकिन भाई, सऊदी अरेबिया में इतनी गर्मी है कि इस आदमी ने पानी की टंकी अपने कार में ही लगा ली, जिससे कि ये नल स्टार्ट करके पानी ले रहा है। नंबर 9, विंडोज 10 का ये वॉलपेपर आपने देखा ही होगा, जो कि काफी फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हो, ये लोगों तो देखने में कुछ ऐसा लगता है जैसे कि फोटोशॉप या फिर ग्राफिक्स की मदद से बनाया हो, लेकिन असल में ये इसका बिल्कुल उल्टा है, जिसे कि एक्चुअल लेजर और प्रोजेक्टर्स की मदद से एक्चुअल विंडो लगाकर क्लिक किया गया था, जिसके लिए स्पेशल 9 के कैमरा का सिस्टम यूज किया गया था। नंबर 8, वैसे तो दूसरी नंबर प्लेट लगाना इलीगल है, और अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े गए तो आपको पुलिस दबोच लेगी। लेकिन इस बंदे के कारनामे देखकर पुलिस वालों की भी आंखें फटी रह जाएंगी, क्योंकि इस बंदे ने नंबर प्लेट की जगह एक स्क्रीन लगा रखी है, जिसमें कि बहुत सारे प्लेट्स हैं, जिसे कि ये बंदा जब चाहे चेंज कर सकता है। नंबर 7, आपने मूवीज में ट्रेन की शूटिंग तो जरूर देखी होगी, जो कि स्टेशन में होती है, जैसे कि हैरी पॉटर में। लेकिन क्या आप जानते हो कि इन्हें एक्चुअल स्टेशन पर नहीं शूट किया जाता है, और जब इतना ज्यादा भी VFX नहीं था तो इन्हें कुछ इस तरीके से शूट किया जाता था, पूरा ट्रेन जैसा सेटअप बनाकर। नंबर 6, ये बंदा सच में आयरन मैन जितना जीनियस है, क्योंकि इसने ऐसा कुछ कर दिया जो कि डेफ लोगों को नई जिंदगी दे पाएगी। इस बंदे ने ऐसा चश्मा बनाया जो कि रियल टाइम में सामने वाले की बातों को डिस्क्राइब कर देगा, जिससे कि इस चश्मे पर वो सारी बातें लिखी हुई आएंगी, जिससे कि वो बंदा पढ़कर सारी बातें समझ जाए। नंबर 5, क्या आप जानते हो कि जो लाइव मैचेस में आप मैचेस देखते हो, वो असल में लाइव नहीं होते हैं। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो कि लाइव में और टीवी ब्रॉडकास्ट में कितना अंतर होता है, और ये डिफरेंस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और टेक्निकली अगर कहा जाए तो हम कभी भी लाइव मैच नहीं देखते हैं, बल्कि जो हो चुका है वही देखते हैं। लाइव मैच आप हमेशा स्टेडियम में ही देख सकते हैं। नंबर 4, 18th century में अमीर लोगों की टेबल कुछ इस तरीके की हुआ करती थी, जिसमें कि चेयर्स ऊपर लगी हुई रहती थी और खाना नीचे से ऊपर पहुंचा दिया जाता था, और इस टेबल में सिंगल प्लेट को भी अप डाउन करने का सिस्टम था, जिससे कि अमीर लोगों को जो चाहिए होता है वो उसे मंगा लेते थे। नंबर 3, ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जिसे कि कर्वी मीटर नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मैप में जो लाइंस होती है ना, उसे रीड करके ये बता सकता है कि वहाँ की डिस्टेंस कितना है। मतलब कि इसे अगर आप मैप के ऊपर चलाओगे तो ये एक्चुअल डिस्टेंस बताएगा कि वहाँ रियल लाइफ में भी कितना डिस्टेंस होने वाला है। इसके नीचे एक व्हील लगा हुआ है जो कि लाइंस पे चलाने पे रोटेट होती है, जो कि कैलकुलेट करके इसके अंदर डिस्टेंस बता देती है। वाव। नंबर 2, बचपन से हम कार्टून्स को देखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक आपने नहीं सोचा होगा कि आपके फेवरेट कार्टून्स के रिलीजन क्या थे। सबसे पहले अगर सिंचैन की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज्यादा लोग बुद्धिज्म और सिंतो नामक रिलीजन को फॉलो करते थे, और सिंचैन भी उन्हीं को फॉलो करता था। लेकिन उनके ट्रेडिशन काफी अलग अलग रिलीजन से इंस्पायर है। दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे फेमस कार्टून टॉम एंड जेरी को माना जाता है, और वो है भी। लेकिन क्या आप जानते हो कि उनका रिलीजन क्या था? टॉम एंड जेरी का रिलीजन उनके ट्रेडिशन से भी आप समझ सकते हो, जो कि क्रिश्चियन है। लेकिन क्या भाई, एक बिल्ली का भी रिलीजन होता है? इंडिया का खुद का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, जो कि है भीम, जिसका रिलीजन आप सोच ही सकते हो कि वो क्या है। वो हिंदुनिज्म कम्युनिटी से है। और अगर निंजा हत्तोरी की बात करें तो निंजा हत्तोरी में सिंटोइज्म नाम के रिलीजन की प्रैक्टिस करते हैं। और दोस्तों, अगर बेन 10 की बात करें तो वो शुरू से ही एथिस्ट थे, और बेन भी उन्हीं को फॉलो करता था, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स से एलियन को इंटरेक्ट करता था, और अर्थ से बाहर कोई रिलीजन ही नहीं है, तो बेन भी एक एथिस्ट था। नंबर 1, पार्ले जी को आप सभी लोग जानते हो, ये इंडिया का सबसे फेमस बिस्किट है, और इसको बनाने वाली कंपनी पार्ले जी अमेरिका और पाकिस्तान में भी सेल करती है। दोस्तों, इंडिया में पार्ले जी के 65 ग्राम की कीमत 5 रुपए है, लेकिन आखिर अमेरिका में इसका प्राइस कितना है? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका में $1 के 65.5 ग्राम के 8 पैकेट मिलते हैं, वहीं पाकिस्तान में पार्ले जी की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। पाकिस्तान में 56.5 ग्राम की कीमत 20 रुपए है। और भाई, लेस तो आपने खाया ही होगा, ये इंडिया में 20 रुपए का मिलता है, और वहीं वो दुबई में 100 रुपए का मिलता है, जो कि सच में काफी एक्सपेंसिव है। और मैगी से हमारे काफी सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें जब भी कभी भूख लगती है तो हमें यही याद आ जाता है। हाँ, माना कि ये 2 मिनट में नहीं बनती, फिर भी काफी जल्दी बन जाती है। लेकिन वही जो मैगी का पैकेट इंडिया में 12 रुपए का मिलता है, वही USA में वो 60 रुपीज का मिलता है। और वही इंडिया में जो हम मैगी की पैकेट 12 रुपए की खरीदते हैं, वही पाकिस्तान में उसकी कीमत 25 से 30
पाकिस्तानी रुपए होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।